Hello everyone, welcome to my channel. I am Ashna Parveen, currently first year MBBS student at IGMC Nagpur. कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी नीट के लिए. अब 17 जुलाई का डेट है नीट का, और अब आपको अपनी प्रिपरेशन को बढ़ा देनी चाहिए क्योंकि बहुत कम टाइम, अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स के करीब अब आपके पास टाइम बच गया है. अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा. बस अपने फुल एफर्ट्स दीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके नीट में और अपने सपने को पूरा कर सके. आजकल मुझे कमेंट्स में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है एलन कोचिंग के बारे में कि कैसे वहाँ पर एडमिशन होता है, क्या बैचेस होते हैं, कौन कौन से फेजेस होते हैं, टेस्ट, हॉस्टल, सब कुछ के बारे में मुझे पूछा जा रहा है. जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने 2 साल की कोचिंग कर रखी है एलन कोटा से, तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है कि एलन के बारे में, कि मैं सब कुछ आपको बताऊंगी कैसे एडमिशन प्रोसेस वहाँ का होता है, कौन कौन से बैचेस वहाँ पे होते हैं, टेस्ट कैसे होता है, हॉस्टल आपको कहाँ लेना चाहिए, ये सब के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ. जब मैं 10th क्लास में थी तो मेरा भी ये बहुत बड़ा डाउट था कि मुझे कौन सी कोचिंग में जानी चाहिए, क्योंकि मेरा ये सेट हो गया था 10th में आने के बाद कि मुझे बायोलॉजी लेना है एंड देन नीट के लिए प्रिपरेशन करना है. ऐसे ही कुछ सिचुएशन आप लोगों के साथ भी आ रहा होगा, और जो ड्रॉपर्स होंगे 12th में उन्हें, वो भी ये सोच रहे होंगे कि अब हमें नीट के लिए प्रिपरेशन करना है. सबसे बड़ा डाउट क्या आ जाता है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अगर हम किसी कोचिंग में जा रहे हैं तो कैसे ज्वाइन करें. तो मैं आपको बताती हूँ कि एलन कोचिंग का प्रोसेस कुछ ऐसा रहता है कि आपको वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है. मैं नीट ओरिएंटेड बात बता रही हूँ आपको, मेडिकल फील्ड का. तो वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मोड भी होता है एंड एसेट के थ्रू भी होता है. वहाँ पे जो बैचेस होते हैं 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बैचेस का जो नेम होता है वो होता है नर्चर कोर्स. 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो कोर्स होता है दैट इज एंथ्यूज कोर्स, एंथुजियास्ट कोर्स उसका नाम होता है, उसे कॉमनली एंथ्यूज बोलते हैं. उसके बाद जो 12th के बाद जो ड्रॉपर्स जाते हैं उन लोग के लिए 2 बैचेस होते हैं. एक लीडर बैच बोला जाता है एंड एक अचीवर. लीडर बैच मेनली किसके लिए होता है? जो नॉन एलनाइट्स हैं, जिन्होंने पहले एलन से कोचिंग नहीं कर रखी है या फिर जिन्होंने कहीं भी पहले कोचिंग नहीं कर रखी है एंड 12th के बाद डायरेक्ट प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं, वो उनके लिए प्रेफरेबल होता है लीडर कोर्स, क्योंकि वहाँ पे बेसिक्स से थोड़ा ज़्यादा पढ़ाया जाता है. एंड अचीवर कोर्स जो होते हैं एक्स एलन स्टूडेंट्स जो होते हैं एंड थोड़ा हायर लेवल के जो होते हैं स्टूडेंट जिन्होंने पहले थोड़ी बहुत कोचिंग कर रखी है, वो अचीवर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. इसके फीस के बारे में बताऊं तो हर साल फीस चेंज होती रहती है. मेरे टाइम पे फीस कुछ अलग थी. मैंने नर्चर कोर्स में एडमिशन लिया था तो उस टाइम जो मेरा नर्चर कोर्स का फीस था वो 1,06,000 था. एंड अगर आप एक टाइम पे देते हो तो लमसम करके वो कुछ रिबेट कर देते हैं आपका, और मेरा 1 लाख के अराउंड लगा था. बट अब जो है हर साल वो फीस बढ़ती रहती है, तो अब वो बढ़ गई होगी. आपको लेटेस्ट फीस आप उसके वेबसाइट से आपको दिख जाएगी कि लेटेस्ट फीस मैं अगर अप्रॉक्स बताऊँ तो अप्रॉक्स 1,20,000 के अप्रॉक्स होगा नर्चर एंथ्यूज इन सब का. इसके बाद कई सारे बच्चे कोटा में बाहर से आते हैं. आप लोग भी अगर आ रहे होंगे, कई बच्चों के मेरे पास आए कि हम लोग कोटा में बाहर से आएंगे, हमें कैसे पता चलेगा किस टाइम पर एडमिशन लें, कैसे लें. तो एडमिशन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ. कई सारे फेजेस आते हैं इसमें. बिल्कुल भी वरी मत होइए कई बच्चे कि हमें मिल पाएगा एडमिशन कि नहीं. सबको एडमिशन मिलेगा. आपके बोर्ड जब कंप्लीट हो जाए आप बस उसके वेबसाइट पे चेक करते रहिए कि वो कोर्सेज कब स्टार्ट हो रहे हैं. कोर्सेज हर लगभग 15 दिन में कोर्सेज स्टार्ट होते हैं इनके, और हर फेजेस रहता है. और जो बच्चों को अभी प्रिपरेशन करना है, जैसे अगर आपका 10th का बोर्ड अगर हो गया है तो आप जल्द से जल्द कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वो जब आप फर्स्ट फेज में जाएंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. मेरे साथ भी ऐसा था कि मैंने 10th में जब मैं थी तो मैंने जनवरी में ही अपना वो ले लिया था. अप्रैल वाला सेशन जो था मैंने फर्स्ट फेज में ही अपना वो करवा लिया था, और जनवरी में ही मेरा एडमिशन हो गया था. फर्स्ट फेज में जाने से बहुत फायदा होता है क्योंकि आपको क्या बहुत टाइम मिलता है, तो वो आराम आराम से पढ़ाएंगे, आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं आता. लेकिन आप जब आगे वाले फेजेस में जाते हैं ना तो आपको थोड़ा सा, उनके पास भी टाइम कम रहता है तो थोड़ा सा वो स्पीड अप करके पढ़ाते हैं आपको. तो अभी मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर जो भी बच्चे 10th, अगर आपके 10th बोर्ड्स आपके कंप्लीट हो जा रहे हैं तो आप जल्द से जल्द, अगर आपको कोचिंग में लेना है तो आप तुरंत ले लें. एडमिशन प्रोसेस बहुत ही आसान होता है. आप जरूरी नहीं है कि कोटा ही आके उसका एडमिशन प्रोसेस करवाएं. एलन की वेबसाइट आपको पता होगी, www.allen.ac.in. उस पे जाके आपको वहाँ पे पूरा एडमिशन प्रोसेस मिल जाएगा। मैंने भी ऑनलाइन ही अपना एडमिशन करवाया था, वहाँ से जाके आपको एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म आपको फिलअप करना होता है एंड देन फीस आप कर देंगे तो आपका एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा। और ऑनलाइन ही आप करवा लें क्योंकि यहाँ पे कोटा में आके कोई मतलब नहीं होता है ऐसा, और आप परेशान भी होंगे, तो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस आप अपना पूरा करवा सकते हैं। अब एलन के पढ़ाने का तरीके के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कैसे वो पढ़ाते हैं। आप अगर ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो उसमें आपके 4 लेक्चर्स होंगे, सुबह की शिफ्ट होती है, एक 7 to 1 होता है एंड एक शाम की शिफ्ट होती है 2 से 8 शायद होता है वो। सुबह वाले जो होते हैं मोस्टली गर्ल्स का सुबह होता है एंड शाम वाले शिफ्ट में बॉयज़ का होता है। यहाँ पे कोएड नहीं होता है, अलग अलग बैचेस होते हैं। उसके बाद आपको 4 लेक्चर्स होते हैं आपके। उसके बाद जो आपका सुबह और शाम को डाउट काउंटर्स रहते हैं, तो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप वहाँ पे डाउट काउंटर्स पे जाके वहाँ पे पूछ सकते हैं एंड अपने जो भी अगर आपका कुछ छूट गया तो वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल रहते हैं। इसके बाद टेस्ट होते हैं। नर्चर कोर्स में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे 28 डेज पे फ्रिक्वेंटली आपके टेस्ट होते हैं। एंथ्यूज में आप आएंगे तो आपके जो टेस्ट का फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ा दिया जाएगा, 21 डेज पे कर दिया जाता है, और लीडर अचीवर के तो और ज़्यादा टेस्ट होते हैं। एक और बहुत बड़ा डाउट जो बच्चों का रहता है, जैसे कि जो 10th के बाद अब 11th में जाने वाले हैं, उनका डाउट ये रहता है कि हम स्कूल के साथ कैसे कोचिंग को मैनेज करेंगे। तो ये वैसी कोचिंग नहीं होती है जो स्कूल के साथ मैनेज कर सके। अगर आप इस कोचिंग में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको नॉन स्कूलिंग करवाना पड़ता है, वो आपको वहीं कोचिंग से भी मिल जाएगा। अगर आप कोटा आ रहे हैं तो यहाँ पे कई स्कूल्स हैं जो आपको नॉन स्कूलिंग प्रोवाइड कर देते हैं। नॉन स्कूलिंग में ऐसा कुछ रहता है कि सिर्फ आपको प्रैक्टिकल्स और एग्जाम्स के टाइम पे जाना रहता है और वहाँ पे अपने एग्जाम्स देने रहते हैं। अब उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे होगी, जैसे 12th बोर्ड आपका रहेगा अगर, तो उसकी प्रिपरेशन भी आपको एलन करवाएगा, आपको सारे मॉड्यूल्स देगा। CBSE की बुकलेट्स अलग से मिलती हैं, हमें भी मिली थी, तो हमने तो उसी से प्रिपरेशन किया था। तो आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाती है अपने बोर्ड्स की, कोई भी ऐसा कोई इशू नहीं होता है। तो स्कूल को मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप 11th से प्रोसीड कर सकते हैं। स्कूलिंग कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है उसमें। स्कूलिंग जो है जरूरी नहीं कि आप जहाँ यहाँ अगर कोचिंग कर रहे हैं तो यहीं से लें, अपने होम टाउन से भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना रहता है। तो अगर आप अपने होम टाउन से भी नॉन स्कूलिंग करवा लेंगे तो वो चलता है। अब कई सारे बच्चे जो हैं वो कोटा में बाहर से आते हैं, मोस्टली कोचिंग में आप जाएंगे तो ज्यादातर बच्चे बाहर से ही आते हैं। तो सबसे बड़ा इशू आ जाता है कि हम बाहर से आ रहे हैं तो हम रहेंगे कहाँ, तो उसके लिए हॉस्टल अवेलेबल होते हैं, पीजीज अवेलेबल होती हैं। अब ये बच्चों का डाउट रहता है कि हमें हॉस्टल कहाँ लेना चाहिए, पीजीज कहाँ लेने चाहिए। कोटा में जो है बहुत कई एरियाज हैं जहाँ पे कोचिंग चलते हैं। मेनली जो एरियाज है वो एक तलवंडी एरिया है, एक लैंडमार्क सिटी एरिया नया जो खुला है एलन की, वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, एक आपका एक और एलन की बिल्डिंग खुली है। तो कुछ स्पेसिफिक मैं नीट मेडिकल फील्ड वाले बिल्डिंग्स के बारे में बता रही हूँ, और भी बिल्डिंग्स हैं तो वो सारे जेई के बिल्डिंग्स हैं। तो ये जो बिल्डिंग्स हैं इनके आसपास आपको हॉस्टल पूरा मिलेगा एंड पीजीज अवेलेबल होंगी। ये आपके ऊपर है कि आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं या पीजीज में, क्योंकि आप हॉस्टल में रहेंगे तो हॉस्टल में आपको अगर गर्ल्स हैं तो उनके लिए सेफ्टी ज़्यादा होती है, तो वो हॉस्टल ज़्यादा प्रिफरेबल करते हैं क्योंकि उसमें मेस रहता है एंड सिक्योरिटी रहती है। और पीजीज जो रहते हैं उसमें आपको रेंट पे रूम्स मिल जाते हैं। पीजीज थोड़ा सा कम कॉस्टली होता है बट सिक्योरिटी वाइज हॉस्टल ज़्यादा अच्छा होता है। तो हॉस्टल और पीजीज का एक्सपेंसेस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। पीजीज आपको 5,000 to 6,000 पे आपको रूम रेंट पे मिल जाएगा, आराम से यहाँ पे मिल जाता है, कई सारे रूम्स मिलते हैं एंड मेस का अलग से रहेगा। मेस के लिए आपको बाहर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कई सारे मेस अवेलेबल रहते हैं, आप कोई से भी मेस को लगा सकते हैं। अब हॉस्टल की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम 10,000 आपके लगेंगे ही लगेंगे। 10,000 से स्टार्टिंग होती है, यहाँ पे छोटे छोटे रूम्स रहते हैं फिर भी 10,000 पर मंथ एंड उसमें मेस इंक्लूडेड रहेगा। अब हॉस्टल और पीजीज कहाँ पे लेना चाहिए, अगर आप एलन की बिल्डिंग से बिल्कुल पास में ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है उसका प्राइस ज़्यादा रहेगा। तो और थोड़ा दूरी पे आप अगर लेते हैं तो उसके प्राइस थोड़ी कम रहेगी। जैसे मैं अपने बात करूँ तो मेरा जो सेंटर था एलन का वो था संज्ञान लैंडमार्क सिटी में, तो वहाँ पे संज्ञान के आसपास जितने भी हॉस्टल्स हैं उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट आप थोड़ा सा दूर जाएंगे, जैसे थोड़ा सी आगे जाके एक लोकेलिटी है उसमें जाके आप हॉस्टल्स अगर लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा प्राइस कम होता है 10,000, 15,000 एंड पीजीज अगर लेते हैं तो वो भी कम मिलेंगे, थोड़े से आगे जाके लोकेलिटी है तो उसमें पीजीज कम मिलेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप अगर पास रह रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंस आपको ज़्यादा करना पड़ेगा एंड थोड़ा दूर अगर आप जाने का प्रीफर करते हैं तो फिर आपको थोड़े कम कॉस्ट पे मिल जाएगा। और बहुत कॉमन क्वेश्चन जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि SRG बैच क्या होता है, इसके लिए हमें क्या करना होता है। तो SRG बैच का फुल फॉर्म होता है स्टार रैंकर्स ग्रुप। ये एलन अपने जो भी टॉप स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें सेपरेट कर देते हैं, उनके लिए थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन होता है और बहुत इतना आसान नहीं होता है उसमें जाना। आपको रेगुलरली 650+ मार्क्स अपने रखने पड़ते हैं तब जाके आप उसमें सेलेक्ट होते हैं SRG बैच में। SRG बैच के बारे में पूरा डिटेल में आगे आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगी कि कैसे उसका प्रोसेस होता है, क्या होता है, उसमें कैसे पढ़ाते हैं, वो सब मैं आपको आगे बता दूंगी। इसके बाद फाइनल आ जाता है कि एलन का रिव्यू क्या होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस था एलन का 2 साल का वो बहुत ही अच्छा था। मेरा ऑनलाइन एक्सपीरियंस भी था एंड ऑफलाइन एक्सपीरियंस भी था। ऑफलाइन कोचिंग में 1 साल गई थी, नर्चर कोर्स में मैंने एडमिशन लिया था एंड 1 साल मैं ऑफलाइन कोचिंग गई थी। ऑफलाइन बेस्ट था मेरे लिए। उसके बाद हम लोगों ने 12th में कोविड की वजह से मुझे ऑनलाइन पे आना पड़ा, तो ऑनलाइन कोचिंग भी मैंने बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। ऑनलाइन में भी सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज रहता था एंड रेगुलरली आपके टेस्ट होते थे, डाउट काउंटर्स होते थे। ऑनलाइन आने के बाद भी आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर आप एलन का ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं या ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बट आई वुड प्रेफर कि अगर आप आ सकते हैं तो कोटा जरूर आइए, क्योंकि कोटा में जो एनवायरनमेंट है पढ़ाई की वो अलग ही एनवायरनमेंट है। ये बाहर थोड़े से र्यूमर्स हैं कि कोटा में बिगड़ जाते हैं एंड ऑल, बट मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से अच्छा एनवायरनमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है कोटा का। आप आएंगे तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स पढ़ते हुए दिखेंगे, कोचिंग के आसपास आप रहेंगे तो अलग ही एनवायरनमेंट रहता है वहाँ का एंड वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ना बहुत पढ़ता है यहाँ पे, बट बहुत अच्छा वो होता है। तो मैं प्रिफर करूँगी, अगर कुछ बच्चे तो एफर्ड नहीं कर पाते हैं यहाँ पे आना, लेकिन अगर आप एफर्ड कर सकते हैं यहाँ पे आके और रहना तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ऑफलाइन कोचिंग के लिए ये जाइए आप, क्योंकि ऑफलाइन ज़्यादा बेटर होता है ऑनलाइन से। तो ये एलन कोचिंग के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कैसे बैचेस इसमें होते हैं, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे स्कूलिंग का हम लोग क्या कर सकते हैं एंड हॉस्टल फीस के बारे में भी आपको मैंने बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर मुझे कमेंट्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको मेरे से नोट्स चाहिए, मेरे एलन के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आगे भी वीडियोज़ में मैं आपको ऐसे ही गाइड करती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।